नमस्कार। बड़ी खबर है जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से आपत्तिजनक बयानबाजी की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मचाई है। जगह जगह अपने पिता के नाम पर संस्थान बना दिए और हकीकत तो यह है कि उन्होंने स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के शव को 5 दिन तक संस्कार नहीं किया था। वे चाहते थे कि उनका भी चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जैसा सम्मान मिले और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनको इसकी अनुमति नहीं मिली। अगर हुड्डा से कोई पूछे तो चौधरी रणबीर सिंह का प्रदेश में क्या योगदान है जो इतने संस्थाओं के नाम उनके नाम कर दिए गए। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला 25 सितंबर को फतेहबाद में होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर आलोचना की और कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।